नमस्कार, मैं हुशवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर SMS शुल्क माफ करने की घोषणा की है। SBI ने जानकारी दी है कि USSD सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज यानी रविवार को पटना आई हैं। इसको लेकर BJP नेताओं में उत्साह देखने को मिला है। पार्टी के नेता स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। स्मृति ईरानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब का लोकार्पण समारोह में ज्ञान भवन के कार्यक्रम में भाग लेने आई है। भारत के हर राज्य की अलग अलग एक परंपरा है। इन्हीं परंपराओं और रिवाजों के वजह से भारत विविधताओं से भरा देश बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर 10 किलोमीटर पर भारत में परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तन से दुनिया भर में एक अलग भारत की पहचान बनती है। इनमें से गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में हर कोई जानता है। इसी राज्य में एकमात्र ऐसा शहर है जो कि पूरी तरह से शाकाहारी है। टाटा कमिंस जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विश्वकर्मा पूजा के दिन बोनस समझौता होने के बाद अब कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को ₹5,000 का गिफ्ट कूपन देने की घोषणा की है। CBI ने IRCTC घोटाला में जमानत पर बाहर चल रहे तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इसमें तेजस्वी यादव पर जांच को प्रभावित करने को लेकर बातें कही गई हैं। इसी पर अब संजय जायसवाल ने तेजस्वी को निशाना पर लिया है। उन्होंने कहा कि CBI का अर्जी देना बेहद जरूरी है। तेजस्वी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को ठंडा करने देने की धमकी दी थी। बिहार में ठंडा करने का मतलब सबको पता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को केरल के हरिपाद से फिर से शुरू हुई है, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुई। यात्रा अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, जो सुबह 6:30 बजे के बाद शुरू हुई। 13 किलोमीटर लंबे मार्च के पहले चरण में रमेश चेन्नीथला के मुरलीधरन, कोडी कुन्नील सुरेश, KC वेणुगोपाल और VD सतीशन सहित कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पार्टी के नेता दानिश रिजवान पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर कहा कि इसकी अभी जानकारी नहीं है, कानून अपना काम कर रही है। जांच में दोषी पाए जाएंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। सीमावर्ती राज्य होने से पंजाब कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पूरे उत्तर भारत में पंजाब ही ऐसा राज्य है जो भाजपा की पहुंच से काफी दूर दिख रहा है। ऐसे में वह राज्य में अपनी जमीन तैयार करने और उसके बाद चुनाव अभियान की रणनीति पर काम करेगी। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति ने कहा कि 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी बढ़ जाने के कारण सरकारी सेवा एवं शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 67% कर दिया गया। बिहार में आरक्षण की सीमा जो कि 50% ही है, जबकि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। राम मंदिर को मिलने वाला अब तक का चंदा कोरोना वैक्सीनेशन को इस बार मिले फंड से भी ज्यादा है। यही नहीं, देश की टेंपल इकोनॉमी 3,00,000 करोड़ से पार हो चुकी है, जो घरेलू डिफेंस बजट से कुछ ही कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के शोपुरव स्थित कुन्नौर राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा। करीब 70 साल बाद देश में इस जीव की वापसी हुई और दुनिया भर में कम होती संख्या के चलते चीते विलुप्त प्राय जीवों की सूची में शामिल है। इन चीतों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट कॉलर IT की मदद ली जाएगी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर डाल तो पुलिस पात है। एक ऐसा ही मामला मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र से आई है, जहां दूध ढोने वाली टंकी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। दुनिया के पहले उड़ने वाली बाइक 40 मिनट तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है, जिसका नाम एक्सटूरिज्मो है। हवा में उड़ने वाली दुनिया की इस पहली बाइक एक्सटूरिज्मो का निर्माण जापान की एयरविंस टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध को खत्म करने के लिए राजी हुई है। हालांकि चीन की किसी भी चालबाजी को लेकर भारत काफी सतर्क है। यही कारण है कि भारतीय सैनिकों ने फैसला किया है कि अभी गतिरोध वाले इलाकों को पूरी तरह से खाली नहीं किया जाएगा। गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को कुल 34 IAS और IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया। उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों समेत 14 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। गुजरात में 20 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू किया गया। अभियान के पहले दिन 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जो विश्व रिकॉर्ड हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के निर्माण में बेरियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इसकी पुनः पुष्टि की गई थी। देश के पटाखा केंद्र शिवकाशी में आतिशबाजी उद्योग को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 1000 संगठित इकाइयों में लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में छापेमारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ये छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नेल्लौर, कडपा, गुंटूर और तेलंगाना के निजामाबाद में छापेमारी की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 5664 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4555 लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा आज 35 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। एक दिन पहले के मुकाबले में आज कोरोना केस घटे हैं। मॉनसून इन दिनों उत्तर भारत के राज्यों में सक्रिय है। इसका असर कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के रूप में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति री इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और मल्टी मॉडल परिवहन पर आधारित है। इससे सभी उद्योगों और हितधारकों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने शनिवार को कहा कि मंकीपॉक्स के A2 वेरिएंट में म्यूटेशन हो रहा है। ICMR ने जुलाई से अगस्त तक केरल और दिल्ली में मिले मंकीपॉक्स के मामलों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद यह बात कही है और लोगों को सतर्क रहने को सलाह दिया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की छात्राओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद काफी हंगामा हो रहा है। इस बीच पंजाब पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार की रात मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। मोहाली के SSP विवेक सोनी ने कहा कि यह एक छात्रा द्वारा शूट किया गया और वायरल किया गया वीडियो का मामला है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 20 सितंबर से होगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच मोहाली में खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों ही टीमें मोहाली पहुंच गई हैं। वहीं इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही टीम से बाहर हुए मोहम्मद शमी की जगह एक खिलाड़ी टीम में शामिल हो गया है। यह खिलाड़ी 43 महीनों के बाद T20 टीम में खेलता नजर आएगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर BJP ने पलटवार किया है। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा है कि जेल जाने वाले सत्येंद्र जैन को भारत रत्न कैसे दे। बता दें कि CM केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग की थी। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के पहले नेता है जो खुद को भगवान समझते हैं। ऐसा तो महात्मा गांधी ने भी नहीं किया था। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आप सांसद राघव चड्ढा को गुजरात का सहप्रभारी बना दिया गया है। आपके सम्मेलन में राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गंभीर ने कहा कि विराट कोहली ने पिछले मैच में शतक जमाया तो हम सभी भूल गए कि राहुल और रोहित ने लंबे समय से क्या किया। जब आप कोहली से पारी का आगाज करवाने की बात करते हैं तो कल्पना कीजिए कि KL राहुल पर क्या गुजरती होगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने 60 छात्राओं की आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया और उसे एक युवक को शेयर कर दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनू सूद ने ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलावटखोरी की एक और घटना जो आपकी सेहत पर डालेगी बुरी असर। राजस्थान का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट मार्केट जयपुर में है। अचानक यहां पर CIT और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने रेड डाली तो पता लगा कि 80 रुपये से नकली ड्राई फ्रूट बनाकर उसे 800 रुपये से 1500 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। शोध बताते हैं कि नींद हमारे काम की गुणवत्ता पर सीधा असर करती है। जब आप रात को पर्याप्त नींद लेते हैं तो सेहत के साथ आपके काम में भी सुधार होता है। अच्छी नींद से शरीर रिकवर करता है। नींद के दौरान शरीर टिश्यू रिपेयर कार्य में लग जाता है। हार्ट को आराम मिलता है और ब्लड प्रेशर आपकी कार्डिया वस्कुलर सेहत सुधारने में मदद करता है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन भी बनाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर अच्छी नींद आपको कई तरीके की बीमारियों से बचा कर रखती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जुकेश कुमार, रघुनाथ प्रसाद, प्रमोद पासवान, बिजेंद्र कुमार, KK सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, अर्जुन, आदर्श कुमार, कुश कुमार यादव और अनमोल पुष्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत के वैसे तीर्थस्थल जहां पर आप जाना सबसे पहले पसंद करेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।